नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो कैमन 30 प्रीमियर 5G वर्सेस आईकू न्यू 9 प्रो 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 30 प्रीमियर 5G में 6.41 इंच जबकि न्यू 9 प्रो 5G में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 30 प्रीमियर 5G में 3 इंच जबकि न्यू 9 प्रो 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 30 प्रीमियर 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 30 प्रीमियर 5G में 210 ग्राम जबकि न्यू 9 प्रो 5G में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 30 प्रीमियर 5G में LTPO AMOLED जबकि न्यू 9 प्रो 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 30 प्रीमियर 5G में 6.77 इंचेस जबकि न्यू 9 प्रो 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 30 प्रीमियर 5G में 1264x2780px FHD जोड़ और न्यू 9 प्रो 5G में 1260x2800px FHD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 30 प्रीमियर 5G में 89.25% जबकि न्यू 9 प्रो 5G में 89.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 30 प्रीमियर 5G में 451 पिक्सेल प्रति इंच जबकि न्यू 9 प्रो 5G में 453 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 30 प्रीमियर 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। और न्यू 9 प्रो 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 30 प्रीमियर 5G में 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और न्यू 9 प्रो 5G की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 30 प्रीमियर 5G में माली G610MC6 जबकि न्यू 9 प्रो 5G में एड्रीनो 740 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 30 प्रीमियर 5G में MediaTek Dimensity 8200 और Neo 9 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो 30 प्रीमियर 5G में 12GB की RAM मिलती है, जबकि Neo 9 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 8GB, 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 30 प्रीमियर 5G में 512GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि न्यू 9 प्रो 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 30 प्रीमियर 5G में 5000mAh जबकि न्यू 9 प्रो 5G में 5160mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 30 प्रीमियर 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 34,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें न्यू 9 प्रो 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 35,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 36,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 38,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में न्यू 9 प्रो 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो V30 है, दूसरा इन्फिनिक्स GT20 प्रो 5G है, तीसरा मोटरोला H50 प्रो 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M55 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।